नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम कार्यालय गीता कॉलोनी में। आपको बता दें, कुछ समय पहले लोकसभा 2019 की चुनाव के जो है नामांकन भरे जा रहे थे। नामांकन अब ख़त्म हो चुके हैं और जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे वो अपने चुनाव चिन्ह के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें पुलिस वालों के दबंगे सामने आए थे। निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ चुनाव चिन्ह के लेकर मारपीट का मामला सामने आया था। उन्हीं में बीच बचाव करने के लिए आए थे अशोक सुराना जी, जिनके साथ पुलिस वालों ने अभद्र व्यवहार किया और साथ ही उनके साथ मारपीट भी की। आइए बात करते हैं अशोक सुराना से। आज फिर यहाँ पे डीएम कार्यालय में आइए, आइए जानते हैं यहाँ पे आने का इनका क्या कारण है। आज अशोक जी, आज जब यहाँ पे आप आए हैं, आज क्या कारण रहा है आपका आने का? देखिए, आज तो हमारा जो एक्सपेंडिचर रजिस्टर है उसको 29 तारीख को बुलाया है, तो आज इस वजह से यहाँ आए हैं। 3 बजे का टाइम है तो हमने पूरा कर लिया है, अपना सिग्नेचर वगैरह हो गए हैं। लेकिन जो 26 तारीख की जो घटना मेरे साथ हुई है वो लोकतंत्र पे एक धब्बा है और उसका मुझे जो इतना दुख है कि जो मेरे साथ ये पुलिस की जो बर्बरता हुई है, जो पुलिस ने मुझे घसीट कर मेरा जो एक खून है, क्योंकि हम किसी पे अत्याचार होता देख नहीं सकते और जो अत्याचार मेरे सामने हुआ था तो मैंने सिर्फ श्रीमान जी से, पुलिस अधिकारी से ये कहा था कि भी आप इतनी बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो, क्यों इतनी बदतमीजी से बोल रहे हो। इसी बात पे उस पुलिस अधिकारी की दबंगई, उसने मुझे इतना बेरहमी से घसीटते हुए, धक्के मारते हुए मुझे लटका दिया, मारा पीटा, मेरी अंदरूनी चोट है। उसके बाद मुझे दुखी, मैंने 100 नंबर पे भी फ़ोन कराया शाम को 6:36 पे, 7 बजे तक हम यहीं रहे, कोई भी PCR वगैरह यहाँ नहीं आई। पुलिस की देखो निष्क्रियता कि हमने 6:36 पे फ़ोन किया और 7 बजे तक कोई पुलिस यहाँ नहीं आई, 4-5 आदमी मेरे साथ थे। मुझे इतनी बुरी तरीके से आज तक वो जो है घटना को जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे कांप जाते हैं कि यही हमारा लोकतंत्र है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और उसमें ये कह दिया कि भाई साहब आप इतनी बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो, तो पुलिस वालों ने मुझे इतनी बर्बरता से मेरी पिटाई भी की, घसीटा भी, गाली गलौच भी दी और मेरे अंदरूनी चोट हैं। मुझे आपके सामने देखा, कितना जो है लोगों ने देखा है मेरे साथ, इन्होंने क्या बदतमीजी की है। इस घटना के विरोध में मैंने शाम को 100 नंबर पर कॉल की थी, पुलिस नहीं आई। अगले दिन मैं 27 तारीख को भारतीय निर्वाचन आयोग और अपने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ITO पे वहाँ मैं कंप्लेंट दिया हूँ और मेरी ये मांग है कि ये पुलिस कर्मियों के ख़िलाफ़ ये सस्पेंड हो मैं, और इन्होंने जो मुझे फिजिकल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ़ जो इन पर केस बनता है वो केस हो, क्योंकि एक जो जनप्रतिनिधि का हम चुनाव लड़े हैं, हम क्या, जब हमारे सामने किसी के साथ अत्याचार हो रहा हम बोल नहीं सकते तो हमारा चुनाव लड़ने का फायदा क्या है? और उस वक्त तो हम जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे भी हमारे साथ जो है पुलिस को पोलाइटली पेश आना चाहिए, लेकिन इनकी दबंगई, पता नहीं वो किस दबंगई में थे, कितने वो भरे हुए थे, उन्होंने मेरे साथ जो है इतना बड़ा जो है एक तरह से, पता नहीं इतनी बुरी तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ है। और मैं इसके ख़िलाफ़, मैं चैन से बैठूंगा नहीं, अभी मैं आज परमिशन ले आया हूं और मैं देखता हूं और माननीय जो उच्च अधिकारी हैं निर्वाचन आयोग, वे इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अशोक सुराना अपनी परमिशन ले आया हूँ। सब ये परमिशन है मेरे पास, ये परमिशन रही, ठीक है जी। और मैं अब 1 तारीख को जंतर मंतर पर इनके खिलाफ़ धरना दूंगा और ये मांग करूंगा कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे जनमानस में लोकतंत्र का विश्वास बढ़े और ये ऐसी बदतमीजी, ऐसी इस तरीके की घटना करने का कोई भी पुलिस वाला कई बार सोचे। इस तरीके की घटना जो हुई है ये बहुत लोगों ने देखी है, मीडिया कर्मियों पे भी 1-2 पे उसकी फुटेज है, आप ये देख सकते हो कि हमारे साथ कितनी बदतमीजी, कितना बुरा बर्ताव, कितनी गाली गलौच, घसीटते, मारते पीटते हुए, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। आप उस फुटेज में देख लो, एक भी बार हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं है। लेकिन मुझे ये भारतीय निर्वाचन आयोग और अपने कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं, वहाँ तक मैं ले गया हूँ और इन पे
पे मैं कार्रवाई कराऊंगा, नहीं होगी तो मैं 1 तारीख से धरने पर जंतर मंतर बैठ रहा हूं, वहां मैं ये मांग करूंगा इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मंजू जी, जो कि जब चुनाव चिन्ह निर्वाचन यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा उनको दिया जा रहा था निर्दलीय प्रत्याशियों को, तो उस दिन क्या यहाँ पे हुआ था? पुलिस वालों की तरफ से मारपीट हुई थी, किसकी तरफ से मारपीट हुई थी उस टाइम यहाँ पे, वहाँ पे ये मौजूद थी? आइए बात करते हैं मंजू जी से। मैम, पहले तो आप जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा हमारे दोस्तों को। मेरा नाम मंजू छिब्बर है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए की नॉर्थ इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। मैम, क्या हुआ था उस दिन जरा बताएं कि आप मौजूद? मैं जब उस तरफ चल रही थी तो मैंने देखा कि अशोक सुराना जी ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि अत्याचार नहीं चलेगा और ये अराजकता है, इस तरह से कहते हुए आ रहे थे और इनको काफ़ी पुलिस वालों ने घेरा हुआ था। और जब मैंने देखा, गर्मी भी बहुत थी और बहुत पसीना आ रहा था, सबके मुंह लाल हो रहे थे, मैं बीच में गई, इन दोनों को रोका, पुलिस को भी रोका कि छोड़ दीजिए, छोटी सी बात है, जो भी बात है छोड़िए, और इनको भी एक साइड में किया। फिर भी पुलिस ने सुना नहीं और बड़ी अफसोस की बात है कि कोई ऐसी बात थी नहीं, कोई गाली गलौच नहीं हुआ था, कोई मारपीट नहीं हुई थी, पर सुराना जी को पुलिस ने घेर के झाड़ियों में फेंक दिया। और ये तो इनकी हाइट वाइट अच्छी है जो ये पुलिस के साथ भिड़ सके, और ये फिर खड़े हो जाते थे, फिर वो इनको धक्का मार के आओ तुमको बताते हैं, तुम्हें नेता बनाते हैं, आओ तुम्हें नेता बनाते हैं, इस प्रकार से इनको बेइज्जत कर रहे थे और फिर धक्के धुक्के मार के इनको बाहर की तरफ ले गए। जैसे कि आपने देखा, हमने मंजू जी से और अशोक जी से बात की, तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो है, पूरा जो दोष है यहाँ पे पुलिस वालों का है। पुलिस वालों की तरफ से पहले जो है मारपीट हाथापाई की गई थी, अशोक जी को घेरा गया था मंजू जी के मुताबिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश भारत, जो कि आज एक आज़ाद मुल्क है, उस मुल्क में नारे लगाने पर पाबंदी लगाई जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। आखिरकार आप देखना यह है कि चुनाव आयोग और पुलिस के जो उच्चाधिकारी हैं इस मामले को कहां तक लेके जाते हैं, क्या अशोक जी को न्याय मिल पाएगा, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ, मोहम्मद इमरान के साथ, मैं महेंद्र आर्या, गीता कॉलोनी, धन्यवाद।